अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे बैरल का। बैरल ही, इसकी शेप भी बैरल की तरह ही उन्होंने बनाई है, नाम सही रखा है उन्होंने। ये परफ्यूम है जे डॉट का और बहुत तेज़ है। तौबा, ये खैर मैंने परचेज़ नहीं किया, मुझे गिफ्ट आया था कहीं से तो। और इसका हम आपको बताते हैं, ये पहले इसको खोलते हैं। ये बैरल की तरह, ड्रम की तरह, जिनमें तेल नहीं आते दूसरे मुल्कों से, रंग बिरंगे बड़े बड़े बैरल, उसकी तरह इसको खोलते हैं। इसकी प्राइस मेरे ख़्याल से 3200 है जे डॉट पे, और ऑफ पे आजकल 2700 रुपये का मिल जाता है, 2700 का। एक सेकेंड इसे मैं खोल लूँ। बहुत हार्ड है यार। ले जी, इसे हमने खोल लिया है बैरल। अच्छी पैकिंग की हुई है यार, मतलब इसकी बॉटल भी बड़ी अच्छी बनाई है उन्होंने। ये देखें, देखने में मेटल की लगती है ये बॉटल, मगर ये मेरे ख़्याल से ग्लास की है, शीशे की बनी हुई है। और दी परफ्यूम फॉर मैन, ये मेरे भाई टॉप पे भी, यहाँ से सिप करते हैं वहाँ पे भी जे डॉट का लोगो दिया हुआ है। और खोलते इसकी खुशबू फैलने लगी है बहुत तेज़ है। मैं तो ये परफ्यूम बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, तो मैं बड़े ज़रा सेंसिटिव किस्म की परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करता हूँ। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, ये ना इसकी टाइप बताता हूँ, ये फ्लोरल है। फ्लोरल कहते हैं फूलों जैसी, मगर इसके साथ ये ओरिएंटल है। ओरिएंटल कहते हैं मशरकी, यानी ये पाकिस्तान और पाक और हिंद बड़े सगीर में हमारे इधर जो यूज़ होने वाली परफ्यूम्स है ना, ये उस टाइप की है। ऊद टाइप कह लें, तेज़ और मौलाना टाइप कह लें, बुरी बात नहीं मौलाना टाइप परफ्यूम लगाना, मगर मतलब एक टाइप बन गई है ना, कहने के वो ये ख़ास मौलाना टाइप उस टाइप की है, मगर प्योर ओद जैसी नहीं है। और इसका जो है ना, ये इसके टॉप नोट्स जो हैं वो सिट्रस हैं, खट्टे, हल्का सा खट्टा, हल्का सा फूलों नुमा और ऊद। और जिसमें ऊद आ जाए वो, उसमें बाकी नोट्स हों भी मगर ऊद अपनी एक हुकूमत कायम रखता है, उसमें पता चल जाता है कि भाई ये वाकई कोई तेज़ परफ्यूम है। और इसमें एक पैचोली एक पौधा है, वो भी स्पाइसी किस्म की उसकी खुशबू होती है, उसके टॉप नोट्स आते हैं, वुडी टॉप नोट्स आते हैं। और टोंका बीन्स, ये टोंका बीन्स ना एक मतलब एक बीन्स हैं, वो इधर अफ्रीका में पाए जाते हैं, इधर नहीं। उनमें उन बीन्स की शक्ल होती है जैसे सौंगी होती है, काली ब्लैक सौंगी, उसकी जो खुशबू है उसके, वो भी इसके टॉप नोट्स में है। और इसकी जो है वो मैं आपको बताऊं, इसके जो मिडल नोट्स हैं वो हैं रसबेरी, और रसबेरी रेड कलर का फ्रूट होता है, बेरीज उसी तरह का ही वही, तो उसकी खुशबू है मिडल नोट्स में। ग्रेपफ्रूट की है, अंगूरों की कह लें, लेमन का भी हल्का सा टच आता है, सिडार का अच्छा खासा टच आता है। सिडार कहते हैं दियाड़, दियार की लकड़ी नहीं होती, दियार का दरख्त उसका, और सैंडलवुड का भी टच आता है। और ये इसका आपको रिव्यू मैंने कर दिया, मतलब कि ये मतलब जो तेज़ परफ्यूम पसंद करते हैं ना, कि जो हिला दे खुद को भी और जो सूंघने वाला उसे भी,
और इसमें ऊद का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, मगर ये प्योर ऊद की तरह नहीं, वो ज़्यादा ही, ये ज़रा हल्की सी एक डिफरेंट होती है। ये ऊद तो ज़्यादा तंग करता है, ये मतलब इसमें और इन्होंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो कि तंग नहीं करते हो, मज़ा भी देते हैं, मगर थोड़ी सी ऊद की है। तो मतलब ऑल ओवर परफ्यूम अच्छी है, तेज़ परफ्यूम इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग इसकी बहुत अच्छी है। और मतलब अच्छी, हर परफ्यूम अच्छी है, हर बंदे की, हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, उस हिसाब से वो रिव्यू करता है। मैंने आपको ये रियल सच में ये बता रहा था, मतलब कि हालांकि मुझे पसंद ना भी हो, मगर इस परफ्यूम में क्या है, ये कैसी है, मेरा बताना आपको सिर्फ यही मकसूद था, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम एक और रिव्यू लेकर आएंगे, जे डॉट की ही किसी परफ्यूम का रिव्यू करते हैं। और आजकल तो ऑफ़ लगी है, 27 अक्टूबर तक ऑफ चलेगी, तो ले लें आप परफ्यूम्स जाके। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा डार्क नाइट या रिवील, वो पड़े हुए हैं, उन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, 50% ऑफ है उन पे, इन पे, इस पे तो मेरे ख्याल से 15% ही है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।